बहुत स्वागत की तो बात ही मत पूछिए, पूरा बिहार तैयार है उसकी स्वागत के लिए। और आगमन जो है सो बहुत ही ब्लॉकबस्टर होने वाली है कि अब आप मौसम जो है ना बदलने वाला है, तो तैयार हो जाइए मनीष कश्यप के चाहने वाले जितने भी उनके फॉलोवर लोग हैं, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। अरे भाई, वो साल से जेल में गया है, ऐसा जेल जाना तो सब चाहेगा। हम बिहार के लिए लड़ रहे हैं, बिहार की गरीबों की बात करते हैं। मैं जब उनसे मिली थी ना, तो मैं उनको पूछी भी कि कैसा लग रहा है कि जेल के उस पार आप खड़े हैं और बाहर की दुनिया से हम आए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैडम एक बार अंदर आके देखिए ना, पता चलेगा। अब जो बाहर आएंगे ना, वो आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं और बहुत कुछ का राज भी खुलने वाला है। नमस्कार, मैं गुंजली और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। हर तरफ खबर ये फैल रही है कि मनीष कश्यप जल्द ही जेल से बाहर नजर आएंगे, जल्दी ही जो है वो मौसम बदलने वाला है। जो भी उनके बहुत करीबी रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा समर्थन में रहे हैं, वो लोग आजकल पटना में दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आपने हमारे चैनल पर अनिकेत रंजन जी का वीडियो देखा होगा। अभी देख लीजिए, बिहार की शेरनी मौजूद है बिहार के शेर के आगमन के लिए और उनके स्वागत के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पर हमको बहुत दिन के बाद आने का मौका मिला है, तो जितने भी दर्शकगण हैं सभी को मेरा प्रणाम। ये चेहरे की खुशी बता रही है कि लगता है कि कुछ होने वाला है। जी, कुछ धमाल होने वाला है, क्योंकि देखिए जब शेर आता है ना तो कुछ बड़ा तहलका होता है। तो हम यही कहेंगे कि अब आप मौसम जो है ना बदलने वाला है, तो तैयार हो जाइए मनीष कश्यप के चाहने वाले जितने भी उनके फॉलोवर लोग हैं, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। बेशक इतने दिनों का इंतजार और आंखें एक ही रास्ता देख रही थी कि एक ईमानदार पत्रकार को चार दिवालियों के अंदर जो कैद कर दिया गया है, वो ईमानदार पत्रकार वापस कब आएगा। क्योंकि बिहार की आवाज़ उठाता था वो, बिहार के लोगों की बात करता था वो, और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें थी कि अब आएंगे तो अब अच्छा होने वाला है, कब आएंगे कब आएंगे। और हम लोग खुद थक चुके थे, क्योंकि उनके चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों से भी जुड़े हुए हैं। और लोगों का सवाल होता है कि मैडम अब मनीष भैया कब आ रहे हैं, अब बिहार का शेर कब आएंगे। तो मेरे पास एक ही सवाल होता था कि बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। लेकिन मैं कह रही थी ना कि कुछ बड़ा होने वाला है और 2024 से पहले आएंगे वो। मैं कह रही थी कि 2024 से पहले आएंगे, तो वही चीज़ें हैं, भविष्यवाणी सत्य होने वाली है। तो जितने भी कह रहे थे कि खेल ख़त्म हो गया, सरव बिहार जो है वो धूल में मिल चुके हैं, अब जो है वो हिम्मत नहीं रहेगी कि माइक लेके हमारे सामने खड़े हों या फिर राजनीति में कदम रखें, वैसे लोगों को नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं उन लोगों को लिए यही कहूँगी कि जो उनके विरोधी हैं, जो उनको सपोर्ट नहीं करते थे, उनको देखना पसंद नहीं करते थे, मैं उन लोगों के लिए यही कहूँगी कि भैया अब आपकी दलाली ख़त्म होने वाली है, क्योंकि बिहार का शेर वापस आ रहा है। और आप जो कह रहे हैं ना कि वो एनर्जी ख़त्म हो गई होगी, तो मैं आपको कह दूं कि जब एक शेर को पिंजरे में बंद किया जाता है तो उसे पता है कि हमें बाहर कैसे निकलना है, मुझे कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जिक मतलब ये कि बलवान और शक्तिशाली तो होना ही है, लेकिन दिमाग और बुद्धि चला के भी होना है। तो उसे पता है कि अब जो हम बाहर जाएंगे तो हमें अब कितनी मेहनत और कितनी दिमाग और कितनी बुद्धि से हमें काम करना है, और उन लोगों को जवाब देना है जो लोग कहते थे कि सन्ना बिहार अब फुस हो चुका है। उनको जवाब इसीलिए मिलेगा, और क्योंकि वो दूसरी बार आर जो बाहर आ रहे हैं वो दुगुनी एनर्जी के साथ आ रहे हैं। तो तोड़ना तो बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे वो जेल गया, वो ये है वो ये। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि ये बताइए कि मैं ये मनीष कश्यप जो है चोरी करके जेल में गया है, किसी का जमीन हड़प के जेल में गया है। अरे भाई, वो साल से जेल में गया है, ऐसा जेल जाना तो सब चाहेगा। हम बिहार के लिए लड़ रहे हैं, बिहार की गरीबों की बात करते हैं, और जो बिहार के मजदूर जो पलायन हो रहे हैं, उनके साथ जो दूसरे स्टेट में दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए जो मनीष कश्यप लड़ रहा है या कोई भी लड़ रहा है, अगर उसके लिए किसी को जेल मिल रहा है तो ये तो ऐसा जेल तो सबको चाहिए भाई। उस जेल में आप भी गई थी उनसे मिलने के लिए, और क्या लगा था कि मायूस दिखाई दिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जब उनसे मिली थी ना, तो मैं उनको पूछी भी
कि कैसा लग रहा है कि जेल के उस पार आप खड़े हैं और बाहर से, बाहर की दुनिया से हम आए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैडम एक बार अंदर आके देखिए ना, पता चलेगा, क्योंकि असली अगर समाज सेवा है तो जेल के अंदर में है। और ये सत्य है, अब जो बाहर आएंगे ना वो आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं और बहुत कुछ का राज भी खुलने वाला है। बिल्कुल यही कहूँगी कि मौसम जो है सो बदलने वाला है। स्वागत कैसी होनी चाहिए? वो बहुत स्वागत की तो बात ही मत पूछिए, पूरा बिहार तैयार है उसकी स्वागत के लिए। और आगमन जो है सो बहुत ही ब्लॉकबस्टर होने वाली है, क्योंकि सन ऑफ बिहार रिटर्न टू आ रहा है बाहर। मतलब बहुत एक्साइटमेंट है, इंतजार है कि कब जो है वो सामने देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं यही कहूँगी कि एक पेशेंस लेवल होता है, पेशेंस लेवल यहाँ आ चुकी थी। और खास करके अंजलि जी, आप भी बहुत अपने स्तर से हर जगह जाके, हमें पता है कि आप कितनी मेहनत कर कर के आप उनके लिए भी लड़ी हैं और उनके लिए सबसे सवाल पूछी है, क्या वो गलत किए हैं, क्या वो सही किए हैं, आप उनके साथ खड़ी रही हैं। तो हैट्स ऑफ की आप लोगों ने भी अपनी ताकत दिखाई है, जो एक ईमानदार पत्रकार को दिखाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, क्योंकि ये अकेला ये जो सफ़र है ना, बहुत मुश्किल था। 9 महीने का वनवास भी मिला था राम जी को, तो भी 14 साल की हुई थी। वही प्रतिष्ठा है अयोध्या में, प्राण प्रतिष्ठा है जनवरी में। जी जी जी, मैं वही कह रही हूँ कि देखिए, एक रामचंद्र जी का वनवास 14 साल हुआ था, और यही उनका प्राण प्रतिष्ठा भी अब अयोध्या में होने वाली है, यही 22 दिसंबर को होने वाली है। और एक राम जो अब जेल से वापस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दो दो राम हमारे आ रहे हैं बिहार, तो उनका स्वागत तो भव्य तरीके से ही होगी। जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत भरोसा रखते हैं आपके ऊपर में, क्या कुछ कहना चाहिएगा जो बहुत एक्साइटेड है कि पता नहीं क्या होगा? सबको अंदर ही अंदर पता है, लोग कह रहे हैं उंगलियों पर गिन लीजिए जो दिन है, वो बहुत कुछ ही दिन बचे हुए हैं, सप्ताह भी नहीं बचा हुआ है, सब अपने अपने तरीके से सांकेतिक तरीके से बता रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं उनको यही कहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद, उनको आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, उनको जितने भी चाहने वाले हैं, उनके फॉलोवर लोग हैं, सारे लोगों को धन्यवाद, क्योंकि ये रास्ता बहुत टफ था और सारे लोगों की मेहनत, सारे लोगों की सपोर्ट के बगैर आज मनीष कश्यप है। अगर ये लोग सपोर्ट नहीं करते तो शायद वो मनीष कश्यप नहीं होते। तो इन लोगों की सपोर्ट के बगैर मनीष कश्यप कुछ भी नहीं है, ये सपोर्ट किए हैं तभी आज मनीष कश्यप बना है। तो यही प्यार उन्हें चाहिए। और आप, आपका भाई, आपका शेर वापस आ रहा है, तो भैया फूल और माला और साथ ही मिठाई तो जरूरी लाइएगा।